नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कहा जाता है कि यदि मनुष्य कुछ करने की ठान ले और लगन एवं परिश्रम से प्रयास करे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है नाहन के जगमीत वालिया ने। जगमीत वालिया नाहन निवासी है और पटवारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनको शुरू से ही प्रकृति से लगाव रहा, जिसके चलते इन्होंने 1974 में नाहन के शहीद स्मारक में पौधे लगाकर उसे आकर्षक बनाया और उसके बाद से एक जुनून उनमें आया कि जहां भी उन्हें खाली व्यर्थ भूमि दिखती है वो वहां पर पौधारोपण शुरू कर देते हैं। न केवल पौधारोपण बल्कि सुबह शाम उनकी देखभाल और संरक्षण भी करते हैं। जगमीत वालिया अभी तक नाहन में दो स्थानों पर, जो कि नगर परिषद के हैं, ऐसे उपवन बना चुके हैं जो कि आज लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जगमीत वालिया ने बताया कि वो खुद इनकी सिंचाई, सफाई इत्यादि करते हैं और सुबह शाम वो इन उपवनों में पहुंच जाते हैं। उनका मानना है कि बेशक कम पौधे लगाएं, परंतु उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। पर्यावरण प्रेमी जगमीत वालिया ने बताया कि वो 1974 से प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उनका ये शौक आज भी कायम है। वो अपने घर से सुबह शाम इन उपवनों में पहुंचते हैं और इनकी देखभाल करते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद से तो उनका समय अब इन उपवनों के संरक्षण में बीतता है। उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया है कि सभी पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आएं और नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा स्वच्छ पर्यावरण बनाएं। आपको बता दें कि जगमीत वालिया आज भी इस आयु में पूरे परिश्रम और लगन से पर्यावरण संरक्षण के कार्य में जुटे हुए हैं, जो कि अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बनकर उभरे हैं। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। सिंह वालिया, रिटायर्ड पटवारी, मैं 1974 से इस पे पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने पटवारी की ट्रेनिंग करके शहीद स्मारक के सामने मैंने अपनी रेडी लगाई थी। वो शहीद स्मारक मैंने ही बनाया था, उस समय मैंने तार लगाई और पोल पाल लगा के मैंने उसको हरा भरा किया था। अब मुझे उसके बाद कुछ ऐसा जुनून सा है कि जहाँ भी मुझे खाली जमीन मिलती है नगर पालिका की, वहीं पर मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ और उनकी मेंटेन मैं खुद करता हूँ। ये आदमी को चाहे पौधे दो लगाओ या चार लगाओ, उसको उसकी पालन पोषण, उसकी देखभाल अगर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। चाहे 100 लगाओ या 200 लगाओ, उसकी जितने पौधे लगाते हैं उसकी जिम्मेवारी से उसको पालन पोषण होना चाहिए। मैं तो हर एक आदमी को यही कहता हूँ कि हर आदमी जो है अपने आसपास जहाँ भी घर में आसपास जहाँ भी पौधे, फूल के पौधे या फल के पौधे लगाए और इस पर्यावरण को जो हरा भरा रखे और जो आने वाली पीढ़ी हुई जिससे उसका जो है फायदा हो दुनिया के लिए। जो है ये पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यकता है इसकी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।